सॉरी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो बिलासपुर से है। यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में हाईकोर्ट ने जांच के लिए केस डायरी मंगवाई है। 5 जुलाई को होगी फिर से सुनवाई। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह ने चिटफंड मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने मामले में स्टे को ठुकराया है, केस डायरी भी तलब की है। चिटफंड के एक मामले में अभिषेक को हाईकोर्ट से राहत नहीं। 5 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी, केस डायरी तलब की है कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने राहत। और अधिक जानकारी के साथ शैलेंद्र पाठक जुड़ गए संवाददाता। शैलेंद्र, जिस तरह से यहां पर चुनौती दी गई थी उस मामले को लेकर, लेकिन यहां पर रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद को राहत हाईकोर्ट की तरफ से नहीं मिली है, अगली सुनवाई पर क्या कुछ दलील पेश की जाएगी? अब ये दलील तो अभी यही है, पहले ये जो एफआईआर उनके खिलाफ चिटफंड कंपनी के मामले में दर्ज है, प्राथमिक तौर पर यही चाह रहे हैं मामले जो एफआईआर हुआ है वही गलत है और इसको क्वेश्चन किया जाए, निचली अदालत का जो फैसला है उसको क्वेश्चन किया जाए। इसको लेकर के अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट में पिटिशन दायर की है, लेकिन अब इस मामले में आज उम्मीद की जा रही थी जिस तरीके से कि बड़ी राहत अभिषेक सिंह को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोर्ट में हालांकि उनके जो वकील है उनकी तरफ से दलील दी गई, तमाम तरीके से अपनी बात रखी गई और पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कहीं ना कहीं इस बात पर रोक लगा दी जाए, स्टे की मांग की गई, लेकिन वैसा कुछ भी जो है जस्टिस प्रशांत मिश्रा कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अभी तो मामला जांच में है और जांच की दिशा में है, अभी अभी ऐसी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, क्योंकि इसमें और जिसे वो डायरी तलब करते हैं और डायरी तलब कर रहे हैं, डायरी के बाद देखेंगे उसमें कि क्या स्थिति बनती है, इसलिए इससे जैसी कोई बात अभी दिखती नहीं है। तो क्योंकि सरकार ने अभी इसको विवेचना में रखा है, मामला किस तरीके से है नहीं, वो तो एक बड़ा राहत तो कम से कम सरकार को मिल गई, तो वही दूसरी अभिषेक सिंह के लिए एक बड़ा, जबकि बहुत बड़े वकील लोग उनकी तरफ से फौज वकीलों की बड़ी फौज मौजूद थी, बावजूद उसके उनको इससे नहीं मिला है। और ये क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो गया, प्रदेश भर में चिट फंड कंपनी का मामला है, तो ऐसे में अभिषेक सिंह को ये जो राहत नहीं मिल रहा एक बड़ा सवाल ये है। और इसमें अब जो 5 जुलाई को जो सुनवाई होना है जस्टिस शांत मिश्रा की बेंच में इसकी सुनवाई होना है, उस दिन डायरी पेश होगी, तो अब इसकी पता जो दलील है उस पर भी यही कोशिश की जा रही है किसी न किसी से जो निचली अदालत का फैसला है जो एफआईआर हुआ है उसको प्रेस कर दिया जाए, तो इससे तमाम तरीके से जो अग्रिम जमानत या जमानत जैसी है वो ही ना पैदा हो। लेकिन अगर ये नहीं होती है तो अग्रिम जमानत की स्थिति कानूनन जो इस मामले में जिस तरीके से वो धारा लगी है उसमें अग्रिम जमानत की स्थिति नहीं दिखती, इसलिए मूल रूप से इन्होंने जो अभिषेक सिंह ने उसको एफआईआर को ही चुनौती दी है, क्योंकि इसमें जो जो जमानत धारा है वो बहुत कठिन है, उसमें संभवतः अग्रिम जमानत याचिका नहीं लगाई जा सकती, और इसलिए बेसिक रूप से इन्होंने उसको जो चुनौती दी है वो एफआईआर को ही चुनौती दी ताकि जमानत की स्थिति न पैदा हो। तो ये 5 जुलाई को तय होगी किस तरीके की क्या स्थिति बनती है, सुनवाई के दौरान जब केस जारी मौजूद पुलिस के द्वारा पेश की जाएगी तब वो वैसे एफआईआर को लेकर अभिषेक का क्या कुछ कहना है शैलेंद्र? नहीं, अभी इस मामले में उनसे बात नहीं, लेकिन अब पूरे मामले में कुछ भी वो भी नहीं कह सकते जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मामला जुडिशियल सब जुडिस हो गया है तो हाईकोर्ट का मैटर है, क्योंकि अब निचली अदालत के बाद बड़ी अदालत में पहुंच गया है मामला, तो अब उसमें क्योंकि वो यही है कि 5 जुलाई को ही उनको राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोर्ट को राहत देना होता तो आज ही वो उस तरीके से उनको राहत मिल सकती थी, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने केस डायरी तलब करके एक नया मैसेज दिया है तो वो संभावना वो 5 जुलाई को ही कोर्ट की उससे पता लग पाएगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन आज उनको जो एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि उनको राहत मिलेगी, तो वैसा कुछ हाईकोर्ट से आज उनको बड़ी राहत नहीं मिलेगी, तो वो आज राहत नहीं मिली और 5 जुलाई की केस सुनवाई है मामले की और केस डायरी आने के बाद सारी चीजें साफ आने। तमाम जानकारी का आपको बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।